गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 हमारा आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बराबर, ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फिजिक्स के लिए। इसके लिए मैंने डिफरेंशिएशन आपको आगे करवा दिया था। बराबर, अभी इसकी थियरी आज हमें देखने वाले हैं। बराबर, सिर्फ आज थियरी है। पहली टॉपिक है इसका काइनेमेटिक्स। पहले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है कि एक कोई सब्सटेंस कोई एक पाथ के ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है लेकिन इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के ब्रांच है जिसके अंदर हमें मोशन की मोशन के बारे में सोचना है, लेकिन इसके रीज़न वो कैसे प्रोड्यूस हुआ इसका एक्सप्लेन नहीं करना है। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। समझ लो कि एक सिंपल बात मैं आपको समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि तेरे 50 में से 40 मार्क्स आने चाहिए, वो 40 मार्क्स ले आया। तो वो 40 मार्क्स कैसे लाए वो मुझे नहीं देखने का, मुझे सिर्फ 40 मार्क्स से मतलब है। बराबर, वो कैसे लाए, उसी तरीके से मुझे मोशन के बारे में सोचना है, वो कैसे प्रोड्यूस हुई उसके रीज़न के बारे में मुझे नहीं सोचना है। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। देन है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होगा कि मोशन के बारे में सोचेंगे लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस हुआ उसके रीज़न के बारे में भी सोचेंगे, तो उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। समझो कि मैंने उस स्टूडेंट्स को बोला कि भाई तुझे 40 मार्क लाने, वो ले आया, लेकिन मैं पूछूंगा कि वो कैसे लाया, तू चोरी करके लाया, तूने भाई चीट बनाई है, तुझे किसी फ्रेंड ने लिखवाया है। बराबर, तो वो मैं उसके रीज़न के ऊपर उसका एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में उसकी मोशन को कंसिडर करूंगा। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। मतलब विदाउट एक्सप्लेनिंग रीज़न मोशन के बारे में हम सोचते हैं तो काइनेमेटिक्स, विथ रीज़न के बारे में सोचते हैं तो डायनेमिक्स, उन दोनों को कंबाइन कर देते तो होता है मैकेनिक्स। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, दोनों को कंबाइन कर देते तो वो क्या हो जाता है, मैकेनिक्स। तीन ब्रांच हो गई, पहले काइनेमेटिक्स, दूसरी डायनेमिक्स एंड तीसरी मैकेनिक्स। अभी चौथा पॉइंट है हमारा पार्टिकल। पार्टिकल मतलब क्या, कोई भी एक सब्सटेंस जिसके पास मास होता हो। बराबर, एक सब्सटेंस के जिसके पास मास होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। बराबर, अभी पोजीशन। बराबर, टेक मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं मेजरमेंट लेता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन। समझो कि ये एक लाइन है। बराबर, ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे मैं पोजीशन प्लस लूंगा, इसके राइट लेफ्ट साइड पे मैं पोजीशन माइनस लूंगा। बराबर, फॉर एग्जांपल पी की पोजीशन पूछा हो तो पी की पोजीशन क्या होगा, प्लस 200। क्यू की पूछा हो तो प्लस 120। आर की पूछा हो तो माइनस 120। ये पोजीशन हो गए, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने का। मतलब कि रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेता हूं तो उसको हम पोजीशन बोलते हैं। राइट साइड पे प्लस लेना है, लेफ्ट साइड पे माइनस लेना है। अभी है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब क्या, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस एट एनी टाइम, कोई भी टाइम के ऊपर वो कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको पाथ लेंथ बोलते हैं। वो ऑलवेज पॉजिटिव में लेनी होती है। समझो कि वो सब्सटेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ टू पी, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ओ है, ओ से पी तक जा रहा है। बराबर, तो कितना हुआ यहाँ पे, ओ पी इज इक्वल टू कितना है, 200। कितना है, 200 मीटर प्लस ओ से पी तक। अभी समझो इफ सब्सटेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ टू पी एंड देन पी टू क्यू, पहले ओ टू पी जा रहा है और पी टू क्यू जा रहा है, तो पहले ओ टू पी गया मतलब 200, बाद में पी टू क्यू आया तो 200 मैंने चलिए 120 हुआ। तो यहाँ पे देखो ये भूल है, यहाँ पे 200 आएगा। बराबर, पहले ओ से पी गया मतलब 200 है, फिर पी से क्यू आया तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 80 है मतलब 120 दूसरा आया, तो 200 प्लस 120 मतलब यहाँ पे होगा 320। कितना हुआ, 320। पहले ओ से पी गया 200, फिर पी से क्यू आया 120, तो दोनों का एडिशन होगा 320 पाथ लेंथ होगी। अभी समझो ओ से पी गया, पी से आर आया, तो पहले ओ से पी 200, फिर पी से आर जाना है, तो देखो यहाँ पे जीरो और ये माइनस 120, तो 200 माइनस 120 मतलब 80 होगा। बराबर, जितना होता है उतना आपको प्लस करना होता है। बराबर है, अभी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज होती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ लो उसको डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब दोनों में माइनस करेंगे। समझो कि मैं ट्रैवल करता हूँ ओ से पी जाता हूँ, तो ये फाइनल पहुँचा कहाँ पे, पी से। स्टार्टिंग कहाँ किया से, ओ से,
तो बड़ा कौन हुआ पी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन देख लो, 360 माइनस जीरो, तो यहाँ पे 360 हुआ। अभी मैं ट्रैवल करता हूँ पहले ओ टू पी एंड रिटर्न होता हूँ पी टू क्यू, पहले कहाँ जाता हूँ ओ टू पी और रिटर्न कहाँ होता हूँ पी टू क्यू, तो लास्ट में कहाँ पे पहुँचा क्यू पी। तो अभी पी को मैं काउंट करूँगा नहीं, लास्ट में पहुँचा कहाँ पे क्यू, स्टार्टिंग कहाँ से किया ओ से, तो मैं यहाँ पे क्यू माइनस ओ करूँगा तो 240 माइनस जीरो तो 240। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ में क्या था कि जितना ट्रैवल करता हूँ ना सबका प्लस करने का, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जहाँ फाइनल पहुँचता हूँ और उसका माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये थियोरी पहले करनी है। पहली हो गई काइनेमेटिक्स, मतलब कि हमें मोशन के बारे में सोचना है लेकिन उसके रीज़न के बारे में नहीं सोचना है, डायनेमिक्स में सोचना है, दोनों को कंबाइन करूँगा तो मैकेनिक्स हो जाएगा। पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा कि भाई कोई भी एक सब्सटेंस जिसके पास मास होता है उसको पार्टिकल बोलते हैं। पोजिशन मतलब क्या होता है कि भाई कोई पण जो कोई भी मेजरमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है तो उसको हम पोजिशन बोलते हैं, वो हमने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। बराबर पाथ लेंथ मतलब क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको पाथ लेंथ बोलते हैं, मैंने ये प्लस कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि माइनस करेंगे, जो लास्ट में पहुंचता है उसके माइनस ओरिजिन। ओके, तो ये आपको आज करना है। ओके, थैंक यू।